Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and chapter number 3, the Delhi Sultan. Okay, so this is our lecture number 4. So let's start. Yes, today we will discuss the masjid. Okay, so the masjid, kya hoti hai masjid? Abhi humne dekho piche kafi kuch hum study karke aa chuke hain. Aaj hum jo study karenge masjid ke bare mein study karenge. क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो बाहर से के जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, वो क्या वो हमारी कंट्री में आए और उन्होंने यहाँ पर आके दिल्ली सल्तनत जो थी उसको इस्टेब्लिश किया. ठीक है, वो सब फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश की. उससे पहले हमारे यहाँ पर जो हमारे नेटिव रूलर्स जो थे, यानी हमारे यहीं के रूलर्स थे जो रूल करते थे. लेकिन जैसे ही बाहर से जो ये आए इन्वेडर्स आए, गोरी आए, ठीक है, गोरी के बाद और भी सब आए. आपने देखा, हमने 5 डेंसिटीज जो देखी है वो सब बाहर से आए हुए थे. तो जो ये फॉरेन इन्वेडर्स थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया. तो उन्होंने वो अपने साथ, अगर ऐसे तो नहीं आए, वो अपने साथ फिर क्या हुआ, अपने साथ वो अपना कल्चर और बहुत सारी चीजें लेकर आए, जिसके अंदर हम देखते हैं. जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था चोला एम्पायर, जिसमें राजा राजेंद्र, राजा राजा, ठीक है, वन, तो हमने ये सब स्टडी किया था. उन्होंने, हमने देखा था कि उन्होंने कितने, उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे. किसने बनवाए थे टेम्पल्स, किसने बनवाए थे, ताकि वे लोगों का फेथ जो है वो पा सके कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये फॉरेन इन्वेडर्स थे, ये सब क्या थे, ये इस्लाम के फॉलोवर्स थे. तो इन्होंने यहाँ पर ये जताने के लिए कि वो इस्लाम और मुस्लिमों के प्रोटेक्टर्स हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, मस्जिदें जो थी, मस्जिद है उसको, मोस्क वगैरह जो होते हैं उनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, ताकि वो उन्हें ये रियलाइज करा सके, वो उन्हें बता सके कि वो इस्लाम और मुस्लिमों के प्रोटेक्टर्स. Okay, so the mosque is called a, yes, the mosque is called a masjid in Arabic. जो मॉस्क होते हैं, मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन द रेवरेंस रेवरेंस टू अल्लाह. जो हमारे पास मस्जिद होती है, ये जो है ये एक अरबी का शब्द है. ठीक है, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मेन मीनिंग क्या है, ऐसा प्लेस जहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो अल्लाह, यानी जो उनका, जैसे हमारे भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, उनके अल्लाह होता है, तो अल्लाह की आराधना में क्या करते हैं, सजदा. ये जो देखो प्रोस्ट्रेट्स मतलब कि घुटनों पर आ जाना, ठीक है, और रेवरेंस यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए, सजदा करने के लिए, ठीक है, वो घुटनों पे आ जाते हैं. सो अल्लाह के मतलब कि ये मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की आराधना में घुटने और माथा टेक कर करते हैं, उनका सजदा करते हैं. सो इन कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मस्जिद जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर. तो अब इसके अंदर देखिए, ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क यानी कि वो प्लेस जहाँ पर ना सभी के सभी क्या करते हैं, ये जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब इकट्ठे मिलते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं. उसको, उनको प्रेयर्स को क्या बोला जाता है, वो मुस्लिम्स में उनको कहा जाता है नमाज, कि वो इकट्ठे मिलकर, इकट्ठे बैठकर एक जगह पर, जैसे कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क बोला जाता है, ठीक है, वो या जिसमें को आप कह सकते हैं मस्जिद जामी और जामा मस्जिद का नाम भी बोल सकते हैं. तो वहां पर ये लोग नमाज पढ़ते हैं, यानी गौर से प्रेयर करते हैं एक साथ मिलकर. ओके, एंड मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मैन मेल एज देयर लीडर इमाम. देखिए, लीडर इमाम, ये वर्ड इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स. अब आप देखते हैं कि कई सारे अलग अलग, जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर कौन होते हैं, फादर होते हैं, ठीक है, और अगर आप टेम्पल्स में देखें तो वहाँ प्रेस यानी पुजारी जो होते हैं वो मेन होता है, जो पूजा करवाते हैं, सब कुछ करते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम्स होते हैं उसके अंदर जो लीडर होता है वो एक लर्न मैन, यानी कि जो एक क्या होता है ना, सबसे लर्न मैन, यानी जिसको सब कुछ आता है, जो इंटेलिजेंट होता है, लर्न मैन होता है, उसको बोला जाता है लीडर को इमाम. ठीक है, क्या नाम से बोला जाता है, इमाम.
तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर तो नमाज की रस्म के लिए जो सारे नमाजी हैं उनमें से सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो सम्मान्य रिस्पेक्टफुल वाला और सबसे विद्वान जो पुरुष होता है लर्न्ड मेल होता है उसको इमाम, इमाम मतलब लीडर नेता के रूप में चुना जाता है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो डिलीवर्स द यस He also deliver the sermon, खुतबा। देखिए हाँ ये इनको इनके जो ये जैसे हम लोग जो है यहाँ पर जब प्रवचन बोलते हैं जैसे हिंदूज में जब कोई भी संत कुछ भी सुनाते हैं हमें तो उसको बोलते हैं प्रवचन। तो वहाँ पर क्या बोला जाता था, वहाँ जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर जब कोई भी जो लर्न मेल होता है जो लीडर होता है इमाम होता है जब वो अपने क्या करते हैं जब वो अपना डिलीवर करता है अपनी शब्द तो उनको बोला जाता है खुतबा। क्या नाम दिया जाता है, खुतबा, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर और वो हमेशा एक दिन होता है फ्राइडे का दिन, उस दिन ये जो है ये अपना प्रवचन देते हैं जिसको क्या नाम से बोला जाता है खुतबा की, वो खुतबा देते हैं, ओके। सो इमाम जो होता है वो फ्राइडे की नमाज के दौरान क्या करता है, खुतबा यानी धर्म उपदेश, धर्म किसके प्रति उपदेश भी देता है। सो ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। अब क्या होता है कि जब ये प्रेयर होती है तो इसमें मुस्लिम जो होते हैं वो किधर की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, मक्का। मक्का क्या होता है, मक्का एक तरीके से ना जैसे हम लोगों के होते हैं ना तीर्थ यात्राएं करते हैं, हम लोग कहते हैं चारों तीर्थ की हमने धाम की यात्रा कर ली है क्योंकि वो हमारे जो है पवित्र जो है प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें लगता है हम जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके यहाँ पर क्या होता है जो इनका वो इनका जो प्लेस होता है जहाँ पर ये इनको सबसे ज्यादा ऊपर मानते हैं वो है मक्का। और मक्का अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के मैप में अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो मक्का जो है वो वेस्ट की तरफ पड़ता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ मक्का पड़ता है इंडिया के मैप में। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट। मुस्लिम जो होते हैं वो मक्का की तरफ फेस करके खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए और इंडिया में ये जो मक्का है वो किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ। एंड दिस इज कॉल्ड किबला और इसे क्या बोला जाता है, किबला, ठीक है, इसे बोलते हैं किबला। सो नेक्स्ट इज द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब हमने देखा कि जो दिल्ली दिल्ली सुल्तान जो थे दिल्ली में जो भी बाहर से इन्वेडर्स आए थे उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, मतलब कि अब मेन जो होता है ना सब कंटिनेंट हम बार बार वर्ड आता है सब कंटिनेंट, तो वो क्या होता है कि जैसे एक मतलब इंडिया है, ठीक है, अब तो इंडिया का एक मैप है आपको पता है कि ये प्लेस हमारे उसमें आता है। उस टाइम पर आपने देखा, पीछे हमने देखा था जब मैंने आपको गैरिसन टाउन वगैरह बताए थे, ठीक है, तो काफी दूर तक जो है वो अपनी टेरिटरीज को फैलाते थे, मतलब उसमें एक मैप नहीं होता था, वो जहां जहां तक ये अपना कंट्रोल पा लेते थे वो उनके उसमें आ जाता था। तो जैसे हमें पता है कि एशिया जो हो गया एक कंटिनेंट है और उसके अंदर जितने भी ये सब प्लेसेस आते थे वो सब कंटिनेंट में आ जाते थे। तो दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। तो दिल्ली सुल्तान ने सारे जो सब कंटिनेंट थे उनके बहुत सारे शहरों में मोस्क बनवाए यानी मस्जिदें बनवाई। मेन पर्पस क्या था उनका, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो थे चोला टाइम पर जो ये राजा थे इन्होंने टेंपल्स बनवाए ताकि लोगों का फेथ जी सके कि वो उनके लिए हैं। इसी तरीके से जो ये दिल्ली सुल्तान थे इन्होंने ये मोस्क बनवाए, इनका मेन पर्पस क्या था, दीज डेमोन्स्ट्रेट, क्या डेमोन्स्ट्रेटेड था, दिस डेमोन्स्ट्रेटेड क्या दर्शाया जाता था इसमें, दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू द प्रोटेक्टर्स। देखो ये अपने को प्रोटेक्टर्स के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करते थे, किसके प्रोटेक्टर्स के रूप में, इस्लाम और मुस्लिम्स, कि ये मोस्क इसलिए बनवाए गए ताकि ये अपने को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, अपने को दिखा सके कि वो मुसलमानों के और इस्लाम के प्रोटेक्टर्स हैं। तो ये वो दावा क्या करते थे, ओके। एंड देन उसके बाद मोस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो हमारे यहाँ पर मतलब कि जैसे कहते हैं ना मतलब एक दूसरे को इक्वालिटी देना, ठीक है, एक दूसरे को सम्मान समझना और आस्था का पालन करने वाले जितने भी सभी जो थे श्रद्धालु होते हैं,
ठीक है, जितने भी सभी श्रद्धालु होते हैं उनके उनको परस्पर एक कम्युनिटी से जोड़े होना, ठीक है, उनको एक कम्युनिटी से जोड़ना, इसका ये जो है ये मोस्क जो होती है ना मस्जिदें होती है ये इस चीज में हेल्प करती थी। अब जैसे आपको बताया अभी कि फ्राइडे को क्या होता था, फ्राइडे को एक जगह इकट्ठे होकर ये सब क्या करते थे, प्रेयर करते थे, तो उसमें क्या होता था अलग अलग जगह से सभी लोग आते थे, वो एक वे एक साथ मिलकर प्रेयर करते थे और क्या करते थे एक दूसरे से मिलते थे। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी जो है एक समुदाय से उनको ना एक कम्युनिटी से जुड़े होने का उनको एक मतलब वो उनको ये रियलाइज होता था, वो ये कहते थे उनको ये लगता था कि वो एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, एक समुदाय से बंधे हुए हैं। सो इट वॉज नेसेसरी टू रीइन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम कम्स केम फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द बैकग्राउंड। जैसे अभी आपको बताया ना कि अगर वो फ्राइडे को सभी आते थे, ठीक है, सभी आते थे एक साथ मिलकर वो लोग प्रेयर करते थे, तो उससे क्या हुआ ये इसलिए जरूरी था क्योंकि सारे के सारे क्या थे अलग अलग मतलब बैकग्राउंड ना सबकी अलग अलग वैरायटी की बैकग्राउंड होती थी, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, तो वो एक कम्युनिटी का अंग होने का उनको बोध हो उसको प्रबल करने के करना बहुत जरूरी था कि उनको ये महसूस कराना कि वो एक ही कम्युनिटी से हैं, चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं लेकिन वो एक ही कम्युनिटी के हैं, क्योंकि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के किससे आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको ये फील कराने के लिए कि वो एक ही कम्युनिटी के मतलब एक कम्युनिटी के वो अंग हैं, तो ये आइडिया सोच कर ही ये मोस्ट जो है वो बनवाते थे। ओके नेक्स्ट इज यस स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ हमारी एक सेगमेंट खत्म हो चुकी है, एक पार्ट खत्म हो चुका है, अब ये जो सेकंड पार्ट है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। तो बच्चे इसके अंदर जो है आप लोग जो ये जो है ना हमारी दूसरी सेगमेंट है, आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरी सेगमेंट है हमारी जिसके अंदर हम लोग एक दूसरा पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे, और इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपके कंटेंट देखें कि इसके ये क्या है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। आप हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा क्लोजर लुक देखेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे जो दो मेन जो रूलर थे दिल्ली सुल्तान थे खिलजीज एंड तुगलक्स, उनके अंडर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे वो चलाया गया, कैसे उन्होंने अपने जो अपना जो रूल था उसको कैसे उन्होंने कंसोलिडेट किया, कैसे उसको मजबूत बनाया, ठीक है, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसके अंदर जो जो स्टडी करेंगे जो जो कंटेंट स्टडी करेंगे, एक तो हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले तो देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेव्स की यानी कि जो दास होते थे उनका क्या रोल होता था। स्टार्टिंग में आपको याद हो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बोलम बताया कि एक लाइन बताई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि उस टाइम पर क्या होता था कि उस टाइम पर जो जो ये राजा होते थे जो रूलर होते थे वो कभी भी अपने जो उनका आगे जैसे बेटा होता था या उनके आगे बेटे होते थे वो रूलर नहीं बनते थे, एक हायरार्की नहीं चल रही थी, बल्कि जो उनके स्लेव होते थे वो रूलर बना करते थे किसके बाद, राजा के बाद, ठीक है, उस शासक के बाद उस रूलर के बाद वो उनके जो स्लेव होते थे वो रूलर बना करते थे। तो यहाँ पर हम वही चीज देखेंगे, हम देखेंगे पहले द रोल ऑफ स्लेव इन एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे इकता, ठीक है, इकता एंड इकता दास टाइप ऑफ टैक्सेस, फिर हम देखेंगे क्या इकतास क्या थे, इकतादार क्या थे, टैक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह के टैक्सेस जो हैं उस टाइम पर लगाए गए, फिर हम चीफटन्स जो वहाँ उस टाइम लोकल जो चीफटन्स थे जो मुखिया थे उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया एंड देयर फोर्टिफिकेशन यानी उन्होंने कैसे अपनी किलाबंदी की, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाते थे वो लोग तो इन फॉरेन इन्वेडर से, तो वो स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे रिस्पॉन्स टू द मंगोल्स अटैक अंडर द चंगेज खान के अंडर जब मंगोलों ने अटैक किया तो उस टाइम पर इन्होंने किस तरीके से जो जो आपके ये खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे इन्होंने किस तरीके से रिस्पोंड किया, कैसे उन्होंने काम किया जब मंगोल्स ने चंगेज खान के अंडर क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण किए, ठीक है, हमारे यहाँ पर आक्रमण किए तो उन्होंने कैसे किया, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा जो है सेकंड सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट इसको।
यस स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्लेव्स था उनका क्या रोल था वो हमने अब स्टडी करना है. तो देखते हैं. यस, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब क्या था कि आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली इन्वेडर जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो कैसे हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और कैसे उन्होंने पूरी दिल्ली को पूरे दिल्ली को पर कब्जा किया और कैसे उन्होंने अपने जो है साम्राज्य को एक्सपेंड किया. तो एक इतना बड़ा मतलब कि इतना बड़ा किंगडम को इस्टेब्लिश करके और फिर उसको संभालना, ठीक है, ये एक पर्सन की तो बस की बात नहीं है कि एक इंसान उस सबको संभाल लेगा. अब मान लो फिर उसमें क्या होता था, जैसे मान लो ये पूरा एम्पायर है, ठीक है, ये पूरा एम्पायर है, तो इन्होंने क्या किया उस एम्पायर में के अंदर जो है ना छोटे छोटे क्या बना दी, यहाँ पर छोटी छोटी टेरिटरीज रीजन एक तरीके से आप कहें कि प्रोविंसेस बना दिए और उसके अंदर क्या कर दिया सबको अलग अलग जो उनके स्लेव्स होते थे, ठीक है, जिनको मेन मानते थे उनको एक एक एरिया की एक एक प्रोविंस का उनको क्या दे दी, उनको वो दे दिए कि वो सब कुछ कंट्रोल करेंगे, रूल रेगुलेशन वो सब बनाएंगे, वो ही उसको चलाएंगे. तो इस तरीके से ये किया गया. ठीक है, अब जैसे आज के टाइम पे देखिए तो इंडिया है, इंडिया में मेन एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, उन्होंने आगे उनको स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है. स्टेट्स का आगे क्या होता है, स्टेट्स में सीएम बनाए जाते हैं जो एक अपने अलग अलग स्टेट्स को देखते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सभी रूल्स रेगुलेशन चलाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, वो सब वही देखते हैं. तो ऐसे ही उस टाइम पर भी इन्होंने ये किया. सो मेन जो इसमें देखने वाली बात है कि उन्होंने अपने स्लेव्स को क्यों, स्लेव्स के ऊपर क्यों इतना विश्वास किया. अब जो रूलर्स होते थे, जो ये सुल्तान होते थे, ये जो इनके आगे बेटे हैं या इनके रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं या इनके जो बड़े जानने वाले हैं, ठीक है, उनको ये उनके ऊपर क्यों इतना फेथ नहीं था या उनको इन्होंने यस सो यस मैंने आपको अभी बताया कि जो इल्तुतमिश जो थे वो मेन जो थे इसके क्या थे, मेन इल्तुतमिश ने ये स्लेव जो सिस्टम था ये उन्होंने चलाया था एंड दे फेवर दे स्पेशल स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागान इन फारसी. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो इल्तुतमिश थे उन्होंने मेन क्या किया था इसके अंदर, इल्तुतमिश ने ये जितने भी मतलब वो ना वो उनको बड़े ही रिलायबल और क्या चाहिए थे, रिलायबल गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे. तो ये कहाँ से लेते थे एक्चुअली, ये जो थे ये इन स्लेव्स को फारसी में जिन्हें हम बंदागान कहाँ कहते हैं, ठीक है, बंदागान कहते हैं उतर, और उन्हें जो है जो मिलिट्री सर्विस थी, जो सैनिक सेवा थी, उसके लिए उनको खरीदा जाता था. क्योंकि इनका ये था कि अगर मान लो ये कहीं लड़ाई युद्ध करने जाते हैं तो उस टाइम पर ये क्या करते थे, इनको अपने साथ लेके जाते थे, जो ये स्लेव्स होते थे इनको साथ में लेकर चलते थे, ठीक है. तो उन्हें इसके लिए इन्हें ये चाहिए थे, ये इनको परचेज करते थे एंड दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम. और फिर उनको क्या किया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था, बड़े केयरफुली तरीके से उनको वो ट्रेंड करते थे, उन्हें जो है उन्हें उस राज्य के कुछ बहुत ही एक तो इम्पोर्टेंट मतलब जो पॉलिटिकल ऑफिसेज होते थे, पॉलिटिकल ऑफिसेज पर उनको बिठाया जाता था, ठीक है, उनको वो पॉलिटिकल ऑफिसेज के जो में कई इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती थी वो उनको दे दी जाती थी और उसके साथ साथ उनको बड़ी ही केयरफुली तरीके से ट्रेनिंग दे दी जाती थी. सो सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने उनको परचेज किया है, खरीदा है, खरीदने के बाद उनको ट्रेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है. और ये जो स्लेव होते थे ये हमेशा क्या होता थे, ये जो नीचे जो बैकवर्ड एरिया से जो नीचे के जो लोग होते थे ना वहां से ये लोग लेकर आते थे. तो इनका मेन इल्तुतमिश का मेन जो था ये वो ये सोचते थे कि ये लोग हमेशा क्या रहेंगे, हमारे प्रति रिलायबल रहेंगे.
ठीक है, ये मतलब कि, और ये अपने मास्टर पर ही डिपेंड होते थे, जितनों जो भी ये परचेज करके लाते थे, इनको खरीद कर लाते थे, तो ये जो स्लेव्स होते थे ये अपने मास्टर पर डिपेंड होते थे, एंड सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाय अपॉन देम, इसीलिए जो सुल्तान होता था ना वो इन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता था, उनको विश्वास करके कर सकता था। अब अगर मान लो, अब हम बात करें कि अरिस्टोक्रेट जो थे, जो उनके मान लो अपने रिलेटिव से या जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनके ऊपर क्यों नहीं विश्वास था, उनको क्यों वो उनको जो थे अपना जो है मेन पोस्ट पे क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि उनको ये डर रहता था कि भाई मेन रीजन क्या था कि उनको ये डर रहता था कि ये जो जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें जेलसी होती थी, ठीक है, राजा के प्रति, जो ये रिश्तेदार है या उनके बेटे हैं कोई भी है, तो इनको जेलस होते थे ये लोग, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा लेंगे अगर हमें इनको बड़े पोस्ट दे देंगे, और उसके बाद ये उस राजा को या तो हटा देंगे या फिर उसको मार देंगे। तो ये जो डर होता था ना, इस वजह से ये जितने भी ये इनके एरिस्टोक्रेट्स होते थे उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, और स्लेव उनको ये लगता था कि जो ये स्लेव होंगे, जो ये खरीदे हुए होते थे, ये क्योंकि हमेशा राजा के ऊपर, उस रूलर के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे, तो ये हमेशा उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि स्लेव्स रादर देन सन्स, जैसे इसके अंदर पैराग्राफ दिया है स्लेव्स रादर देन सन्स, यानी कि बेटों से बढ़कर गुलाम। सो द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, सुल्तान जो है यस, तो सुल्तानों को क्या, यस नेक्स्ट हमारे पास है सुल्तान से एडवाइस, सुल्तान को क्या को सलाह दी जाती थी कि द स्लेव हुम वन हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। तो उनको ये कहा जाता था कि जिस स्लेव को, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, ठीक है, ब्रॉट अप, जिसको हमने पाला पोसा है, ठीक है, एंड प्रमोटेड, जिसको हमने आगे बढ़ाया है, उसकी हमें लुक आफ्टर, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मतलब क्या होता है, क्योंकि जो तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी लाइफ में कभी कभी ही ऐसे क्या चीज, ऐसे वर्दी, ऐसे योग्य और एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसे योग्य और एक्सपीरियंस लेव जो है वो मिलते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी होती है। सो वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस लेव इज बेटर देन अ सन। एक जो वाइज मैन होता है वो उसका ये कहना है कि एक वर्दी और एक्सपीरियंस लेव, यानी एक योग्य और अनुभवी जो गुलाम होते हैं वो बेटे से बढ़कर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, ये सभी आपको मैंने बताया, हम पढ़ रहे थे कि हमने अभी पढ़ा कि स्लेव के अंदर क्या था, स्लेव में जैसे हमने कहा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इल्तुतमिश ने ये स्लेव वाला जो सिस्टम है वो उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है और वो हमेशा उनके अंडर रहेंगे। तो उस चीज को आगे हम अभी हमने क्लोजर लुक कर किसका देखेंगे, खिलजी एंड तुगलक, तो उसको आगे जो ये खिलजी और तुगलक थे उन्होंने इस बंदागान सिस्टम को कंटिन्यू रखा, ठीक है, ये स्लेव सिस्टम को कंटिन्यू करके रखा। सो द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदागान एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। हम्बल बर्थ मतलब कि जो कि नीचे जो होते हैं, जो नीचे जाते हैं, से नीचे मतलब जो बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड से निम्न वर्ग से यानी लोअर स्टेट से में जो पैदा होते हैं उनको हम्बल बर्थ बोलते हैं लोगों का। तो द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदागान, इन्होंने इस बंदागान को जो सिस्टम था इसको लगातार इसको कंटिन्यू करके रखा, एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। और इन्होंने अपने पर जो ये डिपेंडेंट जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी उन्होंने क्या करा, हाई पोस्ट, ठीक है, ऊंची ऊंची पोस्ट इन्होंने दी, ठीक है, और अक्सर इनको क्या बोला जाता था, क्लाइंट्स भी कहा जाता था, क्लाइंट्स यानी समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। क्लाइंट कौन होते हैं, मतलब वो जो कि क्या होते हैं, किसी और किसी दूसरे की प्रोटेक्शन में रहते हैं, एंड अ डिपेंडेंट और हंगर ऑन, यानी कि जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रोटेक्शन में रहता हो, उस पर डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं क्लाइंट। ओके, सो उनको भी क्या किया जाता था, उनको उनको इन्होंने हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दी, क्योंकि इन्होंने इल्तुतमिश का जो ये सिस्टम था उनको इन्होंने आगे चलाया।
सो दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, और उनको उनको भी उन्होंने एज अ जनरल और गवर्नर्स के रूप में उनको अपॉइंट किया. एंड हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब ये देखिए ये लाइन समझिए, वो कह रहे हैं हालांकि इससे जो है ना जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे इंट्रोड्यूस हुई? पॉलिटिकल जैसे कि हमने ये कहा कि भाई कोई रूलर है, उसने किसी स्लेव को खरीद लिया, परचेज कर लिया, ठीक है. अब वो स्लेव उसके अंडर है, ठीक है. तो स्लेव क्या होता है, वो उस सिर्फ उस रूलर के प्रति ही क्या होता है, फेथफुल होता है, ठीक है. अब उसको उसके साथ ये तो नहीं है कि रूलर का मान लो आगे मान लो वो रूलर है उसकी डेथ हो जाती है, उसका आगे जो क्या आता है उसका मान लो आगे बेटा है, उत्तराधिकारी है, हेयर है, ठीक है. अब वो उसके प्रति भी क्या हो, रिलायबल हो, ये तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी बातें माने. उसके लिए तो मेन क्या होता है, जिस रूलर ने उसको परचेज किया है वो उसी के प्रति क्या होता था, रिलायबल होता था. अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले जैसे इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के क्या हो रहे होंगे, अपने स्लेव्स रहे होंगे, ठीक है, अपने जो स्लेव जो उसको खरीदा होगा, और वो उनके प्रति क्या होंगे रिलायबल होंगे, ट्रस्टी होंगे. अब दूसरा क्या हुआ, अब उनकी बेटी आगे इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, अब रजिया ने भी अपने आगे स्लेव्स बनाए होंगे, ठीक है, अपने स्लेव्स रखे होंगे, तो वो उस वो क्या थे, उन रजिया के प्रति क्या थे, वो रिलायबल थे. अब क्या हुआ, अब इल्तुतमिश और रजिया के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन उस शासन पर, कौन उस गद्दी पर बैठेगा, तो उसमें क्या होता था, जो इल्तुतमिश के स्लेव्स होते थे और जो मान लो रजिया के स्लेव्स हैं, उनका आपस में कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाता था, उनका आपस में विवाद होते थे, उनकी आपस में लड़ाइयां हो जाती थी. तो इस तरीके से क्या होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है स्लेव्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर, वो अपने मास्टर के प्रति तो रॉयल थे, एंड पैट्रंस जो उनके संरक्षक थे उनके प्रति तो वो लॉयल थे, बट नॉट टू देयर स्लेव, लेकिन जो उनके आगे जो उनके उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, जैसे इल्तुतमिश के आगे बेटी क्या हुई, रजिया, तो उस जो हेयर वो होगी ना उसकी उत्तराधिकारी, तो उनके जो आगे हेयर हैं उनके प्रति वो क्या होंगे, लॉयल हो, ऐसा जरूरी नहीं है. सो न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, और जो नया सुल्तान बना जैसे रजिया बनी थी नई सुल्तान, तो उन्होंने अपने आगे सर्वेंट रख लिए. सो एज अ रिजल्ट द असेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क, अब जो राज्याभिषेक आगे होना है, मान लो दोनों की डेथ हो गई है, ठीक है, तो अब उससे रिजल्ट क्या निकला कि जो ये असेशन होता था, जो राज्याभिषेक होना था ऑफ अ न्यू मोनार्क, ऑफन सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी. तो इससे क्या होता था, इसके बाद क्या हुआ कि जो जो